नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजीपुर खबर के साथ। बता दें आपको कि गाजीपुर में योगी राज में गड्ढा मुक्त फेल हुआ है। आपको बताते चले कि योगी सरकार का फरमान था कि सभी सड़क गड्ढा मुक्त होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कासिमाबाद क्षेत्र के बड़े सर गाँव का है, जहाँ पर सड़कों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। आम नागरिकों को खतरे से कम नहीं है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। का? हसनैन। हसनैन भाई, हाँ। हसनैन जी, ये बताइए कि आप कहाँ के निवासी हैं? क्या समस्या आ रही है? देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड जो है बदहाल है, बना नहीं अभी तक, कोई हादसा हो सकता है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? अरे बहुत दिक्कत है ना, किसी का मान लीजिए कि घर में बीमार आदमी हो, परेशान हालत में हो, जाना चाहे कि मतलब हम जल्दी चले जाएँ, तो रास्ते की यह हालत है कि मतलब जा नहीं पाएगा। और ये जो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, इसके बनाने से और भी रोड खराब हो गया है, यहाँ पे बहुत खराब हो गया, तो मतलब जाने आने में बहुत दिक्कत होगी। हाँ, तो ऐसे में आप लोगों ने कभी किसी अधिकारी से शिकायत नहीं की? अरे साहब, हम लोग कई बार अखबार में हमने खुद निकाला है, हाँ, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि सड़क बन जाए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जिला अधिकारी नेहा प्रकाश ने ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलोला का औचक निरीक्षण किया है और मरीजों से हालचाल जाना है। आपको बताते चले कि औषधि भंडार कक्ष में स्टॉक और इसके साथ ही वितरण का आंकलन अपडेट ना पाए जाने पर इसको लेकर चेतावनी देते हुए कड़ी फटकार भी लगाई गई है। नौटंकी में नृत्य करने वाली महिला कलाकार को उसके ही सहयोगी ने चाकू मार दिया और महिला कलाकार की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ही सूचना मिलने पर मेले में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने ही उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर अवस्था देखकर उच्च संस्थान रेफर कर दिया। बताते चले कि मामला जनपद जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के सरावन में मौजूद मेले का है। अचानक एक मरीज को लाया गया यहाँ पे, उस लड़की का नाम रीना था, जिसको एक तो पेट में दाईं तरफ निचली आंख के पास चाकू मारा गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा इनसाइज वुंड था और जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। इसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट किए गए थे हाथ के पास भी। बीमारी की चोट की गंभीरता को देखते हुए हमने उनका प्राथमिक उपचार करके ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करी। उसी के साथ साथ जिनके द्वारा वो लाए गए थे, उन्हीं के थ्रू हमने मेडिकल कॉलेज तुरंत रेफर कर दिया। ताज नगरी आगरा में ENT एसोसिएशन का 39वां 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और संयुक्त प्रयास से ही 3 मार्च से 5 मार्च तक होटल क्लार्क शिराज में आयोजित ये मेला किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का जो एसोसिएशन ऑफ ENT सर्जन हैं, अलॉन्ग विद दी ENT डिपार्टमेंट, SN मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएशन ऑफ ENT आगरा, इनके तत्वाधान में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 39वीं, जो कि लाइव जिसका प्रसारण होटल क्लाक्षिराज में होगा। इसके अलावा हमने कैडवर डिसेक्शन रखा है, जिसमें जो जूनियर ENT सर्जन है वो सीनियर सर्जन की देख रेख में कैडवर पर नाक व नाक के से रिलेटेड, नाक से दिमाग तक का जो रास्ता होता है उसको स्कल बेस कहते हैं, वो सर्जरी सीखेंगे। पूरा मामला किस तरह से गिरफ्त में आया? हाँ, तो बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में बंद घरों में लगातार चोरियां हो रही थी, इस पे कोतवाली नगर की टीम काम कर रही थी लगातार, तो CCTV कैमरे की मदद से हम लोग कुछ गैंग मेंबर्स को चिन्हित कर पाए थे। चले रुक करते अगली खबर की ओर। गोंडा में ATM मशीन से छेड़छाड़ कर बैंकों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। वहीं 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 9 ATM कार्ड, 2 मोबाइल ATM, खोलने की मशीन सामग्री और इसके साथ ही एक कार भी बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जनपद गोंडा थानाध्यक्ष उमरी बेगमगंज और जनपद की स्वाट टीम के द्वारा अंतर्राज्यीय गैंग के 2 अभियुक्त वाहिद खान निवासी अलीगंज थाना जनपद एटा और फैजान खान थाना ताजगंज जनपद आगरा का, इनको गिरफ्तार किया गया है।
इनका जो मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये एटीएम से छेड़छाड़ करके और उससे जो है पैसे निकालते थे। इस जनपद में कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत आईडीबीआई बैंक के एटीएम में इनके द्वारा छेड़छाड़ करके और धोखाधड़ी करते हुए कुछ पैसे बाईपास किए गए थे, जिसके संबंध में आईडीबीआई बैंक के मैनेजर के द्वारा तहरीर दी गई थी। इसी संबंध में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। ये उमरी बेगमगंज क्षेत्र में ये दूसरी वारदात करने वाले थे, पुलिस को सूचना मिली और उसके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। संभल जिले में गोवंशीय पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित रखने के जिला प्रशासन के दावों की एक बार फिर से पोल खुली है और यहां ट्रेन की चपेट में आकर 8 गायों की मौत हुई है। 15 दिन के भीतर ट्रेन से कटकर गायों की मौत का ये दूसरा मामला है। बताते चले कि जनपद संभल में ही सैकड़ों की तादाद में छुट्टा गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं और प्रशासन भले ही गौशालाओं में गोवंश को संरक्षित रखने का दावा करता हो, लेकिन बावजूद इसके संभल जिले में छुट्टा गोवंश एक बड़ी समस्या बनी हुए हैं। ये जो आज गाय कटी है, क्या मामला था ये गायों का? ऐसा है, गाय ये आज ही नहीं कटी है, गाय को ये एक साल हो गए इसी तरह से कट रही है। 25 गाय एक बार कटी थी धनारी के उधमपुर के पुल पर, एक फाटक पर कटी थी 8 गाय, आज भी गिनती नहीं की जा सकती। 8 गायें तो मौजूद हैं, बाकी गायें हटा दी गई हैं, गायें ज़्यादा कटी हैं। लेकिन समस्या क्या है, शासन का आदेश है कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला बननी चाहिए, लेकिन वो प्रत्येक न्याय पंचायत में गौशाला नहीं बन पाई है और प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा है वो ऊँट को भी जीरा। जिस गौशाला बन गई है उसमें वो भूखी और प्यास से मर रही हैं, जहाँ नहीं बनी है वहाँ खेत खा रही हैं और सड़क पर मर रही हैं। गायें दोनों तरह से मर रही हैं, गायें गौशाला में भी सुरक्षित नहीं है और गायें खेतों में भी सुरक्षित नहीं है। तो सरकार इसके लिए संवेदनशील नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं इस लाइव आपके लोगों के माध्यम से कि सरकार गांव को जो ज़मीनें हैं खाली पड़ी हैं उन्हें खाली कराए और हम लोग अपने स्तर से गायें पलवाने को तैयार हैं। कई गौशाला हमने खुलवाई भी हैं लेकिन हमें स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। फरुखाबाद के मऊदराबाज थाना क्षेत्र में ही बदमाश ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है और मृतक 8 दिन पहले भतीजी के घर जाने के लिए घर से निकला था। वहीं एसपी ने घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की। फरुखाबाद 8 दिन पूर्व भतीजी के घर जाने के लिए घर से निकले युवक का शव बुधवार को गांव के पास खेत में पड़ा मिला और शव पड़ा होने से ग्रामीणों की भीड़ लग गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। युवक की गोली मारी गई है। हत्या का खुलासा करने के लिए एसपी ने टीम भी गठित कर ली है। क्या नाम है भैया आप? आज पीएम हाउस में किसका पोस्टमार्टम होने को है? क्या मामला था पूरा? मामला ये अभी रिश्तेदारी के लौट जा रहे थे परसों, तो एक गांव नजदीक पड़ता है संतोषा का गाँव, वहाँ दारू का ठेका है। करीब लगभग 8 बजे इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं एक ठेके पे दारू पी रहा हूँ। अपनी माता जी से बात की, खाना बना लेना। कहाँ के निवासी हैं ये? ये नगला डाल। आ कहाँ से रहे थे? ये आ रहे थे अपनी रिश्तेदारी, अपनी उनकी भतीजी है नगला बीरबल थाना मेरा बीरबल वहाँ। तो ये हादसा कहाँ हुआ इनके साथ? ये हुआ है संतोषापुर और भड़ौर के बीच में। कुछ पता चल पाया कि लोगों ने मारा? अभी तो कोई जानकारी नहीं है। किस तरीके से पाया गया था सब? सब इनका खंडन पड़ा हुआ था। नहीं, चेहरा वगैरह साफ दिखाई पुष्टि हो गई थी? हाँ, अभी जो फॉरेंसिक जो टीम है उसको बुला लिया गया है। साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पर पीएम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त होने के पश्चात FIR दर्ज कर अग्रविधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और घटना के अनावरण के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवली रोड पर बने खुशी हॉस्पिटल का ये मामला सामने आया है। डिलीवरी के लिए एडमिट की गई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है और गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर बवाल किया और इसके साथ ही तोड़फोड़ किया है और सूचना पर पहुंची कल्याणपुर पुलिस ने ही गुस्साए परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाने की कोशिश की और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पुलिस को पहुंचते ही खुशी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील पाल अपने स्टाफ के साथ ही फरार हुए और परिजनों ने बताया है कि मृतका मंधना की रहने वाली नेहा है जिसकी डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हुई है और परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित में ही कल्याणपुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है।
क्या मामला हो गया? 20 तारीख को भर्ती किया था 7 बजे और 10 मिनट में 15 मिनट में ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद मतलब आज सुबह मतलब सुबह 6 बजे मतलब जगाया, 6 बजे इंजेक्शन लगाया और 10 मिनट में 15 मिनट में काम, इंजेक्शन लगाते हुए अपनी ऊपर चालू हो गए। इंजेक्शन लगाने के बाद ही डेथ हो गई? हाँ, इंजेक्शन लगाते मतलब 15 मिनट नहीं लग पाए, गेट के बाहर नहीं गाड़ी पर नहीं रख पाए, खत्म हो गई। अभी ये लोग कहाँ गए सब लोग, हॉस्पिटल वाले सब कहाँ गए? ये हॉस्पिटल सब भाग गए, एक को नहीं बचे, एक केवल बच्चा है बस आदमी, और सब भाग गए। सब भाग गए? हाँ सब भाग गए। वो भी नहीं मौके पर जो है यहाँ, वो भी नहीं मौके पर कहाँ चला गया। ठीक। झांसी में कई अधिवक्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ दर्जनों अधिवक्ताओं ने एसएसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अधिवक्ताओं ने एसएसपी से मुलाकात कर बताया है कि इन दिनों झांसी में कई अधिवक्ताओं पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं जो पूर्ण रूप से फर्जी है, और एसएसपी ने अधिवक्ताओं को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ जिला अधिवक्ता संघ के मंडल ने एसएसपी से मुलाकात की है। पांचों लोग अपने अपने घरों पर सीसीटीवी के कैमरे में मौजूद हैं, लेकिन उत्पीड़न करने के लिए लगातार झूठे मुकदमे जो लिखाए जा रहे हैं। इससे पहले 154 का मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा दिया गया था, उसमें भी हमारे भाई को इन्वॉल्व किया गया था। उसी के लिए आज एसएसपी साहब ने यह कहा है कि हम जो है इसका निष्पक्ष विवेचना कराकर और तत्काल जो है इसको कराते हैं। हमारे बाहर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, उन्होंने उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, और हमारे पूर्व मंत्री जो कि अधिवक्ता हैं श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, जिला अधिवक्ता संघ के पूरा पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने कहा है कि आप सीट जो है कराएं, अगर नहीं करेंगे तो आगे हम लोग और आंदोलन करेंगे। संत कबीर नगर में दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार कर दी हैं। दरअसल दरिंदों ने मिलकर शौच करने गई किशोरी को अगवा कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 9 की छात्रा देर रात घर में खाना बनाने के दौरान शौच क्रिया के लिए घर के पीछे गई थी, तभी पहले से ही घात लगाए बैठे दरिंदे ने किशोरी का मुंह दबाकर घर के कुछ दूरी पर ही ले गए और जहां उसके साथ दुष्कर्म किया, और जैसे तैसे किशोरी जान बचाकर घर पहुंची तो अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अनिल और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने ही 13 वर्षीय किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। सर, खलीलाबाद का क्या मामला है? थाना क्षेत्र खलीलाबाद में पीड़िता द्वारा बताया गया शाम 7 बजे दिनांक 21 फरवरी 2023 को उसके गांव के ही 2 युवकों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की गई है। तत्काल उसकी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो 2 अभियुक्त हैं, दोनों अभियुक्त को हिरासत में लेके इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पीड़िता का 161 का बयान दर्ज कराया जा रहा है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा और अग्रिम वैधानिक इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है। फायरिंग में दोनों पक्षों के 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों तरफ से हुई जमकर फायरिंग में 4 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, और बताते चले कि मामूली विवाद को लेकर खेत में ये फायरिंग हुई थी, और वहीं डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया है कि दोनों पक्ष यादव हैं और प्रधानी चुनाव से इन दोनों की आपसी रंजिश थी, और एक पक्ष वर्तमान प्रधान का है, दूसरा पक्ष पूर्व प्रधान का है। वहीं 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करा दिया गया है, और वहीं मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे खाद भर रहा था, दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। 6 लोगों को यहाँ से अस्पताल जनपद भेजा गया था, जहाँ पे डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित किया गया है, शेष लोगों का इलाज चल रहा है।
रायबरेली महाराजगंज अपनी प्रेमिका से मिलने आए लापता युवक का शव गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया। रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने प्रेमिका समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव ठाकुरपुर का है। सोमवार को गांव पहुंची लखनऊ पुलिस ने ही गांव के छेदुवासी के घर से एक बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया था और वहीं सभी आरोपियों को पकड़कर अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस बात को लेकर के पुलिस का शक बढ़ा और भी छानबीन की गई और लड़की के घर वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया और ये बताया कि उनके द्वारा उस व्यक्ति की हत्या करके उसको बुलाया गया था और 14 तारीख की जब रात में आया तो उसकी हत्या करके उन्होंने उसके शव को पास के रजवाहे में बहा लिया। इस सूचना पर पुलिस ने फिर शव की तलाश की और अल्टीमेटली अमेठी में रजवाहे से उस शव को भी रिकवर कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ में घटना का खुलासा कर लिया है। रायबरेली में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है और फिर अचानक हुई एक मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग लगातार इन मौतों का स्वाभाविक बताते हुए एक ही गांव ने एक साथ इतने लोगों की मौत को महज इत्तेफाक मान रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ 5 दिन के लिए कैंप लगाया है जहाँ सभी गाँव वालों की गहन जाँच पड़ताल की जा रही है। मामला आपको बता दें कि लालगंज तहसील में खीरो ब्लॉक के ही भीतर गांव का है। यहां मंगलवार पिछले 36 घंटों में अचानक 6 लोगों की मौत हो गई है। क्या नाम है आपका और क्या है आप? शिवराम सिंह नाम है हमारा। मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खीरों का। अच्छा। ये जो यहां मौतें हुई हैं, कितने समय में कितने लोगों की मौतें हो चुकी और कहां हुई हैं? ये मौतें 36 घंटे के अंदर हुई है, 7 मौतें, जिसमें कमल तिवारी रात में सोए, सुबह उनकी डेथ हो गई। अमीन साहब जो आज सुबह झाड़ू लगा रहे थे अपने दरवाजे, सुखा और देवी थी वो शौचालय आई थी, शौच के लिए आई थी, और वो जो वो है शोभा, शोभा दरवाजे अपने बैठे फैदाग ताप रहे थे सवेरे, उनकी डेथ हो गई। तो क्या घटनाक्रम क्या रहा है, ये आप लोगों को क्या बताया जा रहा है कि कोई वजह सामने आ रही है? वजह तो वैसे कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब जब इसको हम लोग क्या कहें, हम तो योगी सरकार में भू माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद लचर प्रशासनिक कार्यशैली से आम जनमानस परेशान है। ताजा मामला रायबरेली सदर तहसील प्रशासन के द्वारा अहमदपुर नजूल गोरा बाजार से सामने आया है, जहां पर निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत से एक तथा कथित भू माफिया, जिसके ऊपर पूर्व में ही सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने उन्हें बेचने का आरोप लगता रहा और अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसी तथा कथित भू माफियाओं तौसीफ खान ठेकेदार पर धोखाधड़ी करके गोरा बाजार निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद सलीम घोसी की जमीन को हड़पने का कूटरचित षड्यंत्र रच डाला। और जब इस बात की जानकारी 80 वर्षीय बुजुर्ग सलीम के लड़कों को हुई तो उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए जान माल की सुरक्षा और न्याय की गुहार भी लगाई। बाप बेटों को भरवानों को बदमाश लगे भू माफिया, तुम्हारी जमीन ले रहे और जान से अलग मरिए, हम तुम्हारी जमीन निकलवा के भेजें, जो उनको समय में आज दे देना तो हम कहा लेना हो ले लियो, कहीं दूसरा जमीन हमका दे दियो घर बना। इसकी शिकायत फिर आपने कहीं पे की? ये शिकायत डीएम साहब के यहाँ दिया है। आज आप कहाँ पे आए हैं? आज एसपी साहब के पास आए हैं कि हमारी जमीन छुड़वाई जाए, हमारे बच्चे परेशान, हमारा 13-14 परिवार है, हमारे वही अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? न्याय नहीं मिलता तो यहीं पर हम धरना धर देंगे, नहीं तो जान दे देंगे। क्या करिए, जब कुछ रही नहीं होगा, हमारे पास पूरी जमीन दिखा दिया इसके धोखे से, जालसाजी से, आए धमकाते हुए जड़वाते हुए कि मार दिए तुमका बदमाश और फिर अपना खुद मारना। क्या नाम है आपका? अकील नाम। क्या हुआ है जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि कहाँ हमारे बाप जान को हमको
डरवा धमका के मुकदमे का झांसा दे करके कि मुख्तार आम जो है तौसीब अहमद बोल रहा था आज डेढ़ दो वर्ष से मेरे घर। ये कौन है तौसीब? गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर कॉलोनी के एक पुराने मकान से पुलिस ने लगभग 22 वर्षीय युवक की लाश बरामद की है। और बताते चले कि विगत दो दिनों से गायब था ये युवक और मृतक वहीं पर मृतक की पहचान जो है वो अनीश पुत्र सौ मंजीत निषाद के रूप में हुई है और आदर्श नगर कॉलोनी थाना कैंट का ही रहने वाला था। अभी कुछ दिन पहले मृतक बेंगलुरु से ही कमाकर अपने घर आया था और परिजनों का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पोस्टर फाड़ने को लेकर क्षेत्र फिर कुछ दबंग से उसका विवाद हुआ था और पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि यह हत्या किस तरीके से की गई थी और पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहती। और आगे सर एक सौ बरामद हुआ है, क्या घटना घटी है? जनपद गोरखपुर के थाना कैंट की सिंगड़िया क्षेत्र में आज दोपहर में पुलिस को सूचना मिली कि एक अनीश नाम के व्यक्ति का शव यहां पे खंडहर सी जगह पे पड़ा है। उसके नाक से नक्सीर आने का भी प्रमाण मौजूद है लेकिन इसके शरीर पर और कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी अभी तक नहीं मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। शव में कब्जे में लेने के बाद इसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। फिरोजाबाद में 29 वर्ष पुराने पहले करीब आधा दर्जन लोगों के द्वारा डकैती के इरादे से घर में घुसकर लूटपाट की गई थी और जिसमें चार लोगों की हत्या और करीब 5 लोग घायल हुए थे। मामले में थाना एका में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसमें बुधवार को न्यायालय ने ही 2 लोगों को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जब हत्या नहीं हुई तो प्रेमी ने स्कूटर पर सवार होकर प्रेमी और प्रेमिका अपने पति को मरवाने के लिए अपने प्रेमी के साथ से राधा रानी मंदिर में घूमने गई थी और प्रेमी में ही पहले से ही सेटिंग कर ली थी। और आपको बता दें कि किस तरह से इसको मारना चाहते हैं इसको लेकर पहले ही बातचीत हो चुकी थी और प्रेमी ने ही स्कूटर से टक्कर मार दी और जिसके बाद सरिया की रोड से हमला कर दिया गया और बहुत बुरी तरह से प्रेमिका का पति घायल हो गया। इसकी रिपोर्ट थाना मार्ट लिखाई गई और जहां पर प्रेम अपनी शादी से खुश नहीं था प्रेमी और इसको लेकर 1 साल शादी को हुए थे और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मोबाइल पर चैट करते थे और पति ने जब विरोध किया तो पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और बताते चले कि दंपति और उनके 28 दिन की बच्ची की जलकर मौत हो गई है। हादसे के दौरान मासूम बालिका की मौत हो गई जबकि माता पिता झुलस गए थे जिन्होंने लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरुखाबाद कोतवाली कायमगंज 55 वर्षीय दरिंदे ने 8 वर्षीय मासूम बालिका से टॉफी का लालच देकर दुष्कर्म किया है। बालिका को दरिंदे ने छत पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। अधेड़ ने दुकान से सौदा लेने जा रही बालिका को बुलाकर वहां से खाने का सामान बालिका से मंगवाया जिसके बाद पिता को बैठे देख के बात कहकर ही बालिका को भेजा था और छत पर घर पहुंचने पर बालिका ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। बालिका ने परिजनों के साथ जाकर कोतवाली कायमगंज में तहरीर दी है और इसके साथ ही अब कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। At